नहीं चाहिए सऊदी अरब का साथ, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास चीन। खैर, चीन आज से नहीं बल्कि काफी पहले से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन अब जब से पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब पर निशाना साधा, कश्मीर को लेकर सऊदी अरब का साथ नहीं पाया, उल्टा अपने बयानों की वजह से कार्रवाई झेल रहे हैं, उनको अब सऊदी अरब का साथ नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास चीन है। यानी कि जो पाकिस्तान पहले अमेरिका और सऊदी अरब के ही पैसों पर पलता था, अब उनको दरकिनार कर उसने अपने आका चीन का साथ चुना है। चीन जिसने पाकिस्तान के स्वतंत्र रास्ता अख्तियार करने का समर्थन किया, और अब जब चीन और पाकिस्तान एक साथी को छोड़कर साथ हुए हैं, तो निश्चित तौर पर इस संबंध को और मजबूत दिखाने की कोशिश की ही जाएगी। और वैसा ही हुआ। कश्मीर पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर भारत को कड़ा संदेश दिया है, कहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा मिलकर करेंगे। पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के स्वतंत्र तरीके से विकास का रास्ता चुनने का समर्थन किया है, जो राष्ट्रीय शर्तों, बेहतर बाहरी सुरक्षा माहौल और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों में और ज्यादा सकारात्मक भूमिका निभाने पर आधारित है। ये चीन और पाकिस्तान का प्यार ऐसे वक्त में परवान चढ़ रहा है जब चीन और भारत के बीच में तल्खी बहुत ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान को भी कश्मीर पर सऊदी अरब का साथ हासिल नहीं हो रहा है। दोनों देशों का कनेक्शन कहीं न कहीं भारत से है, तो इसलिए भारत के दो दुश्मनों ने भारत के सामने मजबूत होने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। ये साथ तब और साफ नजर आने लगा जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से उसका कर्ज चुकाने के लिए कहा है। इस मौके को लपकते हुए चीन ने पाकिस्तान को लोन चुकता करने के लिए $1 अरब दिए हैं, जिसे उसने सऊदी अरब को दे दिया है। अब पाकिस्तान तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर मुस्लिम देशों का एक अलग गुट बनाने का सपना देख रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब के धुर विरोधी ईरान से भी अपने संबंध मजबूत कर रहा है, जिससे कि फिर मुस्लिम देशों का संगठन बनाकर भारत के खिलाफ एक्शन ले सके। चीन और पाकिस्तान का एक दुश्मन भारत है, और यही एक बात दोनों देशों को करीब ला रही है। पाकिस्तानी सेना चीनी सेना PLA के साथ अपने रिश्तों को और मजबूती देना चाहती है, और वो एक संयुक्त सैन्य आयोग बनाना चाहती है। पाकिस्तान सेना के इस प्लान के पीछे उद्देश्य है कि दोनों सेनाएं साझा रणनीतिक फैसले ले सकें। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि कुरैशी चाहते हैं कि चीन सिंध, पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में आधारभूत ढांचे सुधारने में मदद करे। POK और गिलगित दोनों पर ही पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन ये भारत का है। चीन करीब $60 का निवेश कर पाकिस्तान से चीन तक सड़क और रेलवे लिंक बना रहा है। इसके जरिए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चीन के शिनजियांग प्रांत को जोड़ दिया जाएगा। चीन ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर पूरा समन्वय इस्लामाबाद के साथ किया जाएगा। इमरान खान सरकार चाहती है कि चीन एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अगले महीने होने वाले संयुक्त राष्ट्र आम सभा के सत्र में इस मुद्दे को उठाए। साथ ही नेपाल में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान चाहता है कि चीन के रास्ते नेपाल तक अपना ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाए। चीन और पाकिस्तान के बीच घोषणा पत्र में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि चीन ने पाकिस्तान को ऐसी स्वतंत्र नीतियां बनाने के लिए समर्थन दिया है जो कि राष्ट्रीय हित में है। चीन ने कहा है कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान उसका सबसे सच्चा भागीदार है। चीन पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता और स्वतंत्र तरीके से विकास के रास्ते का समर्थन करता है जो अपने राष्ट्रीय हित पर आधारित है। हालांकि पाकिस्तान के इस तरह के फैसलों का कई देशों ने विरोध भी किया है। ऐसे देशों ने भी विरोध किया है जो पाकिस्तान के हितैषी हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की आंखों पर चीन के प्यार की पट्टी बंधी हो, तो फिर क्या किया जाए। इस्लामाबाद को ऐसे कोई फैसले न लेने की सलाह दी जा रही है जिससे कि देश के हितों को लंबी अवधि में नुकसान पहुंचे। अरब देशों में पाकिस्तान के कुछ मित्र देश उसे सलाह दे रहे हैं कि वो चीन से दूरी बनाए और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ दोस्ती बढ़ाए। यह उदाहरण दिया जा रहा है श्रीलंका का। जैसे कर्ज के बल पर चीन ने श्रीलंका को अपना गुलाम बना लिया है, वैसे ही पाकिस्तान को भी बनाया जा सकता है। यानी कि पाकिस्तान को चीन का आर्थिक गुलाम बनने से पहले उसे चिताया जा रहा है। पाकिस्तान के हितैषी देश चाहते हैं कि BRI और CPEC से पाकिस्तान पीछे हट जाए और चीन के जाल में न फंसे, लेकिन अरब देशों की सलाह से इमरान खान बिल्कुल अलग चल रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भविष्य अब चीन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि अब इमरान खान चीन को अपना सर्वे सर्वा मान चुके हैं। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ लंबी अवधि तक रणनीतिक और आर्थिक भागीदारी को देखता है।
अब पाकिस्तान और चीन के संयुक्त बयान से साफ हो गया है कि इस्लामाबाद चीन के डेट ट्रैप का प्रतीक कहे जाने वाले BRI और चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर से पीछे नहीं हटेगा। तो अब न पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ चाहिए और न ही अपने हितैषी देशों में से किसी और का। पाकिस्तान को तो चीन का साथ पसंद आ रहा है, इसलिए वो उसी के साथ हर राह पर आगे बढ़ना चाह रहा है। सभी का साथ छोड़कर सिर्फ चीन का साथ पकड़ना पाकिस्तान को काफी महंगा पड़ सकता है। उसकी भी हालत श्रीलंका जैसी हो जाए, जैसा कि अन्य देशों ने चेताया है, तो कोई बड़ी बात नहीं हो।